निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को बिल्कुल ना छोड़े, क्योंकि अगर आज के डेट में कोई भी अगर आपका निंदा करता है, अगर एक बार आपको अगर अपना लक्ष्य मिल जाता है ना, तो जो लोग आपकी आज निंदा कर रहे हैं, लक्ष्य मिलते ही आप सभी वो लोग जो है उनकी राय जो है आपके बारे में वो बिल्कुल बदल जाती है। तो आप बिल्कुल मत सोचिए, आप जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन हाँ पूरे मेहनत और जज्बे के साथ, ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। क्लास को स्टार्ट करूंगा, बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बिल को दबा दीजिएगा, और किसी भी क्लास का पीडीएफ आपको successki98.in पर मिल जाएगा, और हमारा एप्लीकेशन successki98 डाउनलोड कर किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट यानी ऑनलाइन टेस्ट आप दे सकते हो, किसी भी एग्जाम का, रेलवे, एसएससी, बैंक, और एक साल का अगर पूरा पैकेज लेते हैं तो एक साल तक यानी जिस दिन आप लेंगे उससे एक साल तक जितना भी एग्जाम आने वाला है या जितना भी एग्जाम चल रहा है, आप हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट दे सकते हैं मात्र 373 में। लेकिन मैं बार बार बोलता हूं, एक बार आप हर एक स्पीड टेस्ट में, मान लो एनटीपीसी का आपको 30 सेट दिया गया है, एकाक टेस्ट आपको हर एक एग्जाम का फ्री मिल जाएगा। तो आप पहले फ्री वाला देना, देखना क्वालिटी कैसा है, पूरे एग्जाम के पैटर्न पर सर लोगों के द्वारा सेट किया गया है, जो आपके एग्जाम को मद्देनजर बनाया गया है। तो पहले आप वो टेस्ट देना, देखना क्वालिटी कैसा है, उसके बाद दाई करना, ठीक है, क्योंकि आपको ये भी देखना है ना कि स्पीड टेस्ट का क्वालिटी है कैसा। सो आज कवर करने वाले हैं हम सभी, आप सभी का 12 अक्टूबर का इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। उसके पहले बोल दूं, अपने क्लास का टाइमिंग देख लो, आज मैथ का प्रैक्टिस सेट का क्लास 2 है, और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट का क्लास कितना है, आज 6th क्लास है, और बाकी क्लास का टाइमिंग तो आप सभी को पता है ही। तो देखते हैं आज का पहला करेंट अफेयर हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए डीए और डीआर को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। तो मैं बता दूं, ये जो इंक्रीजमेंट या फिर ये जो इंक्रीमेंट किया गया, ये हाइक किया गया, वो किया गया आपका 5%। 52 लाख ऐसे सेंट्रल कर्मचारी है और 60 लाख से ज्यादा जो है वो आपके कौन है, वो पेंशन भोगी है। तो याद रखिएगा, इन दोनों के जो इंक्रीमेंट किया गया डीए और डीआर में, वो किया गया है 5% का, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, एग्जाम में जाएगा पूछा। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस विश्वविद्यालय ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप नामक एक नया 2 वर्षीय कार्यक्रम शुरू करने के लिए जो है वो डील साइन हुआ है, किसके किसके बीच में, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, और किसके बीच में, तो याद रखिएगा इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर बी के बीच में डील साइन हुआ है। अब ये महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप ये जो प्रोग्राम है, ये है क्या, पहले आप ये जान लो, इसके अंदर जो है जितने भी लोग हैं 21 से 30 साल के बीच में, उनको स्किल सिखाया जाएगा, टैलेंटेड लोगों को चुना जाएगा, ताकि जितना भी स्टार्टअप है, जितने भी बिजनेस है, जो भी जिस बिजनेस के काबिल है उनको उसके लिए चुना जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यानी विदेश मंत्रालय किसके पास है अभी, तो सुब्रमण्यम जयशंकर के पास है। इन्होंने क्या किया है, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, हालांकि दो लॉन्च किया है मैंने, दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। पहला है आपका टेली एजुकेशन, अब इस ये लॉन्च किया गया ये प्रोजेक्ट क्यों लॉन्च किया गया है, तो 54 अफ्रीकन कंट्री यानी जो अफ्रीकन देश हैं 54, उसके लिए लॉन्च किया गया न्यू दिल्ली में, जिसके तहत क्या है ना कि टेली एजुकेशन, इसका नाम आप क्या बोल सकते हो, तो इसका नाम दिया गया है आपका ई विद्या भारती। इसके अंदर क्या है, आप सभी का जितने भी 54 अफ्रीकन कंट्री है वो यहां पर पढ़ाई वगैरह, जितने भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है वो यहां पर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और एक और लॉन्च किया गया है आपका टेली, आप याद रखिएगा टेली मेडिसिन, उसका नाम दिया क्या दिया गया है, टेली आरोग्य भारती। इसके अंदर क्या है, जितने भी मेडिसिन के लेकर जानकारी है वो है जो है ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, दवाई वगैरह के बारे में, ठीक है। तो ये कौन पढ़ सकता है, तो जितने भी 54 अफ्रीकन कंट्री है वो, और ये लॉन्च किया गया है विदेश मंत्री यानी
सुब्रमण्यम जयशंकर के द्वारा। दो दो है आपका प्रोजेक्ट, कौन कौन सा है? एक तो आपको बता चुका हूं इस क्वेश्चन के माध्यम से, टेली एजुकेशन, जिसका ई प्लेटफॉर्म क्या है आपका, ई विद्या भारती, और दूसरा क्या है आपका टेली मेडिसिन, उसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या है तो ई आरोग्य भारती। ये दोनों आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। हमारे देश की प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति जिनका नाम क्या है, जिनपिंग, इनके बीच में जो है ऐतिहासिक मीटिंग हुआ है, और ये मीटिंग शिखर सम्मेलन जो है वो किस शहर में हुआ है, उस शहर का नाम बताना है। तो उस शहर का नाम है आपका ममालापुरम, या ठीक है, और ये कहां पर पड़ता है, ये पड़ता है तमिलनाडु में, ठीक है। और आप फोटो में देख पा रहे होंगे चाइना के राष्ट्रपति और हमारे देश के राष्ट्रपति जो है वो तमिलनाडु के पोशाक में, मोदी जी जहां जाते हैं वहां उस रंग में जो है वो रंग जाते हैं, आप सभी को पता है। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं, ये कहां पर हुआ है, तो ये हुआ है आपका ममालापुरम यानी तमिलनाडु में। और तमिलनाडु के सीएम का नाम क्या है, तो इडप्पडी के पलनीस्वामी, और राज्यपाल कौन है तो बनवारी लाल पुरोहित, और तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई। अगर वही बात करें आपका चाइना का, तो चाइना के बारे में सभी को पता है, हर एक क्लास में मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, केंद्र सरकार ने गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु को बिना किसी लागत के स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए अस्वस्थ करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? दो योजना शुरू किया गया है, ठीक है, इसके लिए दोनों योजना का नाम याद रखिएगा। पहला योजना जो है आपका सुमन है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, जितने भी प्रेग्नेंट वोमेन है या फिर प्रेग्नेंट वोमेन है या बोल लो जितने भी बच्चे जिनका जन्म होता है उनके लिए जो है पूरा मुफ्त दवा वगैरह जो है वो दिया जाएगा। एक तो आपको पता चल गया सुमन योजना है, दूसरा क्वेश्चन इसके बाद ही मैंने लिया है, ये योजना भी वही है, उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं और माताओं और शिशु के लिए सार्वजनिक अस्पताल में मुफ्त स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए एक पहल शुरू की है, पहल का नाम बताना है। तो याद रखिएगा पहला आपका सुमन है, और दूसरा भी याद रखिएगा सुरक्षित मृत्यु आश्वासन। अगला प्रश्न हमारे सामने है, फिनटेक स्टार्टअप एक कंपनी है, जिस कंपनी का नाम आपको बताना है जिसने भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने उस बैंक को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का लाइसेंस दे दिया है, और ये किसके माध्यम से उस स्टार्टअप को जो है वो लाइसेंस मिला है, उसका ही जो एक पार्टनर कंपनी है जिसका नाम है आपका एकाग्रता के माध्यम से इस कंपनी को मिला है। क्योंकि इस कंपनी का जो आप सभी बोल सकते हो, इस कंपनी का जो इमेज है मार्केट में बहुत अच्छा है, इसको नजर में रखते हुए उस स्टार्टअप कंपनी को जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का भी लाइसेंस मिल चुका है। तो वो फिनटेक स्टार्टअप कंपनी कौन है, तो वो है आपका शुभ लोन। आप देख पा रहे होंगे लोगों में यही कंपनी है, इस कंपनी का लोगो भी आपका यही है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, रिलायंस म्यूचुअल फंड ने अपना हाल फिलहाल में नाम चेंज कर दिया है, वो अपना नाम क्या रखा है रिलायंस म्यूचुअल फंड ने नाम बदलकर, तो नाम याद रखिएगा नाम बदलकर रखा गया है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, ये नाम रखा गया है। याद रखिएगा एग्जाम में पूछेगा अगर रिलायंस म्यूचुअल फंड का नाम चेंज कर अभी क्या रख दिया गया है, तो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, और इसके सीईओ कौन है, एग्जाम में पूछेगा कि निप्पॉन इंडियन म्यूचुअल फंड के सीईओ कौन है, तो संदीप सिक्का जो है वो इसके कौन है, वो इसके जो है वो सीईओ है, संदीप, ठीक है, संदीप सिक्का। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एंटोनियो कोस्टा को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, जो ज्यादा चर्चित रहता है उससे ही क्वेश्चन बनता है। तो ये अभी हाल फिलहाल में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं जिनका नाम है आपका एंटोनियो कोस्टा, तो वो है आपके पुर्तगाल का। और आज का आपका पहला प्रश्न निकल कर ये आता है, आपको कमेंट कर ये बताना है कि पुर्तगाल का राजधानी क्या है और पुर्तगाल में मुद्रा क्या इस्तेमाल किया जाता है, यानी करेंसी और कैपिटल आपको कमेंट कर बताना है पुर्तगाल का, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ग्रेटर मैनचेस्टर इंग्लैंड में एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका याद रखिएगा यूनिवर्सिटी ऑफ सैलफोर्ड, इसने डॉक्टरेट की उपाधि दी है किसको, तो आशा भोसले को जो है, इनको
दिया गया है डॉक्टरेट की उपाधि, यानी आशा भोसले जी को ये उपाधि दिया गया है किस विश्वविद्यालय के द्वारा, तो यूनिवर्सिटी ऑफ सैलफोर्ड के द्वारा, जो आपका इंग्लैंड में पढ़ता है, ठीक है। और इंग्लैंड का जो मुद्रा है वो क्या है, पाउंड स्टर्लिंग। वहां के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम क्या है, बोरिस जॉनसन। और इंग्लैंड का यानी ब्रिटेन का राजधानी क्या है, तो वो है आपका लंदन, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये खिलाड़ी बहुत ही ज्यादा खास है। और आपको मैं बता दूं ये किस देश के प्लेयर है, तो ये है आपके जर्मनी के। इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है आपका बास्टियन श्वाइंस्टाइगर। इन्होंने हाल फिलहाल में जो है वो रिटायरमेंट ले लिया है। ये किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो ये एक बहुत ही लाजवाब फुटबॉलर है। अगर आप फुटबॉल में रुचि रखते होंगे तो मुझे 100% श्योर है इन व्यक्ति को आप जानते होंगे, ठीक है। और एक बात मैं बता दूं, ये जर्मनी से है, तो जर्मनी के राष्ट्रपति का नाम क्या है, फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर, ठीक है। और कैपिटल क्या है जर्मनी का, तो वो है आपका बर्लिन, राइट। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था एक गवर्नमेंट ने एक ई मार्केट प्लेस यानी ऑनलाइन एक प्लेस लॉन्च किया है, एक जगह लॉन्च किया है ई मार्केट प्लेस, जहां पर क्या है ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी छोटे व्यापार हैं, जिनके हाथ में कला है, जो घर में कढ़ाई बुनाई करते हैं, वो अपना सारा बिजनेस इस पर कर सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन में ये बताना है कि सरकारी ई मार्केट प्लेस ने अपने पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को धन हस्तांतरण सेवाओं की पेशकश करने के लिए किस बैंक के साथ एक डील साइन की है, ताकि जितना भी फंड चाहिए, लेन देन हो, जितना भी अकाउंट खुलवाना है, वो इस बैंक के माध्यम से कर सकते हैं, जो भी ई मार्केट प्लेस से जुड़े हुए हैं, जो भी अपना सामान वगैरह यहां से सेल करते हैं, तो वो किस बैंक से कर सकते हैं अपना लेन देन या अपना फंड, अपना अकाउंट, कुछ भी, तो वो है आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और आज का आपका दूसरा प्रश्न यहीं से निकल कर आता है, आपको कमेंट कर ये बताना है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन क्या है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर यानी कार्यालय कहां पर है, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है। ये तीन चीज आपको कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपका आज का दूसरा काम है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अनीता पाई जिसको चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बना दिया गया है किस बैंक का, तो लोगों आप पक्का देख पा रहे होंगे यस बैंक का, और यस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है, सभी को पता है। और यस बैंक का टैगलाइन क्या है, हर एक बैंक का टैगलाइन होता है, जैसे मैंने आपको बताया है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन आपको कॉमेंट कर कॉमेंट बॉक्स में बताना है। तो यस बैंक का टैगलाइन क्या है, एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज, ये जो है यस बैंक का टैगलाइन है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एम हरियाली एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, ठीक है। क्या लॉन्च किया गया है, एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसके तहत जो है लोगों को उत्साहित यानी बोल सकते हो एनकरेज किया जा सके, ताकि वो पेड़ पौधे प्लांट कर सके, पौधे के बारे में जान सके कि हमारे प्लांट पेड़ कितना इंपॉर्टेंट है, पेड़ को काटना चाहिए, सब जानकारी आपको एम हरियाली के ऐप के माध्यम से, इस एप्लीकेशन के माध्यम से दिया जाएगा। तो ये जो एप्लीकेशन है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, कौन से मंत्रालय के द्वारा, ये आपको बताना है इस प्रश्न में। और ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा, आवास और शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा। और ये मंत्रालय कौन से मिनिस्टर के पास है, तो ये मंत्रालय है आपका हरदीप सिंह पुरी के पास। ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 12 अक्टूबर का, इसका पूरा का पूरा पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा successk98.in से। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा, क्लास का टाइमिंग देख लीजिएगा ताकि आपका क्लास मिस ना हो। अगर मिस हो भी जाता है तो टेलीग्राम से उम्मीद करते हैं आप सभी जुड़े हैं, जहां पर आपको हर एक चीज का जो लिंक है वो शेयर कर दिया जाता है आप सभी के साथ, ठीक है। चलिए।